नमस्कार, मेरे बिना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। रेप केस में जेल पहुंचा डॉन संतोष अम्बेकर, मुंबई बेंगलुरु पहुंची पुलिस, अब सोनेगांव में होगी गिरफ्तारी। गैंगस्टर संतोष अम्बेकर को बेटे की मित्र से बलात्कार प्रकरण में अदालत ने आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब गुरुवार को यानी कि आज पुलिस उसे सोनेगांव में दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में गिरफ्तार करने वाली है। अम्बेकर को आज हवालात और जेल में एक माह पूरा हो गया है। पीड़ित युवती बेटे की मित्र होने की जानकारियां मिली है। संतोष अम्बेकर की उस पर नजर गई। पीड़िता के नाबालिग होने के वक्त से ही अम्बेकर उसे परेशान करता था, फोन करके आपत्तिजनक बात और इशारे करता था। वह नाबालिग को एक मर्तबा होटल में भी ले गया और बाद में उसका यौन शोषण करने लगा। वह उसे मुंबई और बेंगलुरु में भी ले गया। वहां होटल में उसने शारीरिक संबंध बनाए। अम्बेकर की दहशत होने से पीड़िता शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस वजह से अम्बेकर अपने घर में ही उसका बलात्कार करते रहा। 12 अक्टूबर को उगाही और धोखाधड़ी मामले में अम्बेकर की गिरफ्तारी होने के बाद पीड़िता हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आई। इस मामले में 6 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी की गई। अपराध शाखा के दल प्रकरण की जांच के लिए मुंबई और बेंगलोर भेजे गए हैं। अब तक की जांच में अम्बेकर के अय्याश और रंगीन मिजाज होने का पता चला है। उसके मकोका में आरोपी विवाहिता से भी संबंध है। उसने विवाहिता को मुंबई में फ्लैट लेकर भी दिया था। उसकी आरंभ में विवाहिता के पति से मित्रता भी हुई थी। पत्नी पर नजर पड़ते ही उसे फांसे में ले लिया। इसका विरोध करने पर विवाहिता अम्बेकर की कई पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आई। पुलिस के गहराई जांच करने पर कई मामले का खुलासा हो सकता है। बलात्कार प्रकरण में पुलिस हिरासत खत्म होने पर जांच अधिकारी एपीआई अनुपमा जगताप ने उसे अदालत में पेश करके हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया। अदालत ने उसे ठुकरा कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को सोनेगांव में दर्ज 1 करोड़ की ठगी तथा उगाही के मामले में अदालत से वारंट लेकर संतोष अम्बेकर और अरविंद पटेल को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में अम्बेकर के भांजे सनी वर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि राम पाटिल नामक साथी फरार है। अम्बेकर के गुजरात वापी के व्यापारी हेमंत पटेल को शिकार बनाया था। हेमंत की राम पाटिल से पहचान हुई थी। पाटिल ने हेमंत की अम्बेकर से भेंट कराई। अम्बेकर ने हेमंत को बताया कि नेताओं को हमेशा 2000 के नोटों की जरूरत होती है। वह नेताओं के लिए काम करता है। वह 2000 रुपए के नोट लेकर 500 रुपए के नोट वापस लौटाएगा। उसने हेमंत को 1 करोड़ के बदले 1 लाख रुपए कमीशन देने का झांसा दिया। इस झांसे में आकर हेमंत ठगी का शिकार हुआ था। अरविंद पटेल हवाला कारोबारी है। हेमंत ने उसकी बालाजी फॉर्म में ही रुपए जमा किए थे। पुलिस ने अरविंद के खिलाफ भी मकोका की कार्यवाही की। सोनेगांव मामले में जांच अधिकारी अनिल टाकसांडे गुरुवार को अदालत से वारंट लेकर अम्बेकर तथा अरविंद पटेल को गिरफ्तार करने वाले है। अपराध शाखा पुलिस ने अम्बेकर के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की है। अम्बेकर के कई साथी और भागीदार अब भी शहर में सक्रिय है। एक माह बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये लोग ही परिजनों की मदद से अम्बेकर को राहत दिलाने का मार्ग खोज रहे हैं। उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से पीड़िता को भी चिंता सता रही है। इसी बीच में डॉन संतोष अम्बेकर की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।